हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 की साइंस की वर्कशीट नंबर 9 कर रहे हैं। यह 17 अगस्त के लिए आई है। इसमें हम सूक्ष्म जीव हानिकारक प्रभाव पढ़ेंगे। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सूक्ष्म जीव अत्यंत छोटे जीव होते हैं। ये हमें अपनी आँखों से बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं दिखाई देते हैं। इनके प्रभाव हानिकारक भी हो सकते हैं और लाभदायक भी। लाभदायक प्रभावों के बारे में हमने इससे पहले वाली वर्कशीट्स में पढ़ा था। आज हमें किस प्रकार से हानि पहुंचाते हैं इसके बारे में पढ़ना है। सूक्ष्म जीवों के हानिकारक प्रभाव, इसका पहला प्रभाव है ये खाद्य पदार्थों को खराब या संदूषित कर देते हैं। आपने ब्रेड के ऊपर इस तरह की फंगस लगी हुई देखी होगी। ये हल्के हल्के ब्लैक या ग्रीन कलर का जो पाउडर है जिसे हम कहते हैं कि फंजाई लग गई है, जिसकी वजह से ब्रेड खराब हो गया है। अगर हम इस प्रकार लेते हैं तो हमें खाद्य विषाक्त हो सकती है, जिसे हम इंग्लिश में फूड पॉइजनिंग कहते हैं। इसका सेकंड प्रभाव है ये मानव और जंतुओं में बीमारी फैलाते हैं, जैसे मलेरिया, टीबी, टाइफाइड। कवक द्वारा कपड़े, चमड़े और कागज को संदूषित करना। वर्षा ऋतु में आपने इस तरह से चमड़े के पर्स पर या कोट पर और अन्य वस्तुओं पर इस तरह के धब्बे देखे होंगे। ये धब्बे कहाँ से आ जाते हैं? ये वायु में उपस्थित सूक्ष्म जीवों के कारण होते हैं। ये सूक्ष्म जीव नमी का वातावरण मिलने के कारण चमड़े पर अपना प्रभाव करने लग जाते हैं और ये अपनी संख्या बढ़ाने लग जाते हैं। पौधों में बीमारी, सूक्ष्म जीव पौधों में भी बीमारी करते हैं, जैसे नींबू कैंकर। इस तरह के निशान आपने नींबू के ऊपर अवश्य देखे होंगे। यह नींबू की एक बीमारी है जिसे नींबू कैंकर कहते हैं। गेहूं का रस्ट, गेहूं जब सूक्ष्म जीवों द्वारा प्रभावित हो जाता है तो इस प्रकार से उसके दाने काले हो जाते हैं और वह खाने लायक नहीं रहता है। जलाशयों का विनाश, पहले जो जलाशय होते थे वो बहुत साफ होते थे, लेकिन समय के साथ ये गंदे होने लग गए हैं और इनमें हरे रंग का कुछ पदार्थ जमा रहता है। अगर इस तरह के जलाशय में कोई मछलियां या जीव रहते हैं तो वो मर जाते हैं, क्योंकि उन्हें इस जल से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। जलाशय में शैवालों की वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण वे सारी ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर लेते हैं और अन्य जीवों के लिए ऑक्सीजन कम हो जाती है। अब तक हमने उपयोगी सूक्ष्म जीवों और उनके औषधीय और अन्य उपयोगों के बारे में जाना। इसके अलावा कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए अनेक प्रकार से बहुत हानिकारक भी होते हैं, जैसे कि ऊपर दर्शाया गया है। कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतुओं और पौधों में संचरणीय रोग उत्पन्न करते हैं। संचरणीय रोग का अर्थ होता है ऐसे रोग जो एक बीमार व्यक्ति से और अन्य स्वस्थ व्यक्ति तक पहुँच जाए और स्वस्थ व्यक्ति भी संक्रमित हो जाए और बीमार हो जाए। इसके अलावा कुछ सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार से हानि पहुंचाते हैं, जैसे खाद्य पदार्थों को खराब करना, शैवालों के पृष्ठ टूटने से जलाशयों में अन्य जीवों को मरना, कपड़े, कागज, चमड़े की वस्तुओं को संदूषित करना इत्यादि। रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव रोगाणु कहलाते हैं। यह एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में संक्रमित रक्त, हवा, पानी, भोजन, रोग वाहकों द्वारा सीधे या संपर्क में आने से फैलते हैं। जो रोगाणु वाले सूक्ष्म जीव होते हैं ये एक बीमार व्यक्ति से उसके रक्त या फिर उसकी हवा में खांसने, छींकने या उसके द्वारा इस्तेमाल किया गया पानी और भोजन को इस्तेमाल करने से भी फैल जाते हैं। स्वयं को जांचिए। अब इसके कुछ प्रश्न उत्तर हैं। पहला प्रश्न है, सूक्ष्म जीवों के कोई हानिकारक प्रभाव लिखिए। यहाँ पर दिए गए किन्हीं भी 3 हानिकारक प्रभावों को आप इसमें लिख सकते हैं। प्रश्न 1 का उत्तर है, भोजन को ढककर रखने की सलाह क्यों दी जाती है? यदि हम भोजन को ढककर नहीं रखते हैं, वायु में उपस्थित सूक्ष्म जीव भोजन को संदूषित कर देते हैं, इसीलिए भोजन को ढककर रखने की सलाह दी जाती है। प्रश्न 3, रोगाणु किन्हें कहते हैं? ये संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक कैसे फैलते हैं? रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव रोगाणु कहलाते हैं। यह संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में संक्रमित रक्त, हवा, पानी, भोजन, रोग वाहकों द्वारा संपर्क में आने से फैलते हैं। प्रश्न 4, सूक्ष्म जीवों से होने वाली 2 बीमारियों के नाम लिखें। सूक्ष्म जीव से मलेरिया, टीबी, टाइफाइड,
कोरोना भी सूक्ष्म जीवों के संपर्क में आने से फैलने वाली बीमारी है। अच्छा बच्चों, आज की वर्कशीट में इतना ही करना है, जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।